नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट फिल्टर में। फ्रेंड, अभी हम बात करेंगे स्कॉटलैंड वर्सेज पाकिस्तान का जो सेकंड T20 मैच होगा आज, तो उसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट ले चलता हूँ आपको न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से ओपन करेंगे फखर जमान, फिर उसके बाद आएंगे अहमद सयाद का चांस लगता है कि खेलेगा, क्योंकि पिछले मैच में एक और मौका यहां पर मिल सकता है। और मैं भी अगर सयाद रिस्की भी हो सकता है फ्रेंड, सयाद का परसेंटेज मैं आपको बता दूं 80% रहेगा, और इसकी जगह पर हारिस सोहेल को भी मौका मिल सकता है। तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि सयाद को आप स्मॉल लीग की टीम में रखो। फिर उसके बाद आएंगे हुसैन तलत, जिनको लगता है कि मुझे खेलने का मौका मिलेगा क्योंकि टैलेंटेड खिलाड़ी है यहाँ पर पाकिस्तान के लिए, तो तलत को मौका मिलेगा फ्रेंड यहाँ पर। फिर उसके बाद आएंगे इनके कैप्टन सरफराज अहमद, देन आएंगे फ्रेंड यहाँ पर शोएब मलिक, फिर आसिफ अली, फिर फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, सदाब खान। मोहम्मद अमीर को इस मैच में रेस्ट दिया जा सकता है आई थिंक, क्योंकि उनका थोड़ा इंजरी का प्रॉब्लम भी था पिछले मैच में, और बट वो खेले फिर भी, क्या भरोसा इस मैच में क्या था उनको रेस्ट मिल जाए और उनकी जगह उस्मान खान खेल जाए, या फिर उस्मान खान ना खेले तो फिर शाहीन अफरीदी को मौका मिल सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पर बात करते हैं फिर हसन अली, जो इनके इनके मेन बॉलर है पेसर। तो फ्रेंड उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, ज़्यादा कोई चेंज तो पाकिस्तान की टीम में और होगा नहीं। दूसरी बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पर स्कॉटलैंड की। तो स्कॉटलैंड में फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि क्वेजर जो कि इनके कैप्टन है, उनके साथ आएंगे मुंशे। तो मुंशे और क्वेजर करेंगे ओपनिंग यहाँ पर स्कॉटलैंड के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर फिर आएंगे कैलम मैकलॉट, एंड फिर उसके बाद आएंगे फ्रेंड डैनियल बंज की जगह फ्रेंड यहाँ पर क्रेग वालेस को आज मौका मिल सकता है। थोड़ा डैनियल बंज थोड़ा रिस्की रहेंगे। फिर आएंगे वेरिंगटन, फिर मैथ्यू क्रॉस, लिस, साफियान शरीफ, एंड वाट इवंस, और पिछले मैच में जो हमजा तारिक थे उनका खेलने के चांस इस मैच में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पिछले मैच में 4 ओवर में उन्होंने 57 रन दिए थे, तो पाकिस्तान के बैट्समैन ने काफ़ी धोया था उनको, तो इस मैच में उनका खेलने का चांस मुझे थोड़ा कम लग रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पर या तो क्रिस सॉल या तो फिर वाटिंगम को मौका मिल सकता है इस मैच में। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्लेइंग 11 क्रिएट किया हुआ, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप का प्लेइंग 11 इस मैच में रह सकता है पाकिस्तान का। तो फ्रेंड यहाँ पर मेरी फाइनल टीम ये रहेगी इस मैच के लिए, ये मेरी सेव टीम है और ये मेरी फाइनल टीम रहेगी। देखो फ्रेंड, मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि कई बार कई मौके पर मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन फेल हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है फ्रेंड, इसमें मैंने शोएब मलिक को पिछले मैच के जो हीरो थे उनको टीम से बाहर कर दिया है। एक्चुअली फ्रेंड यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट का प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसलिए मैंने शोएब मलिक को बाहर करना ही बेटर समझा, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर शोएब मलिक पिछले मैच में चले हैं, कोई भरोसा नहीं इस मैच में चलेंगे नहीं चलेंगे, तो मैंने यहाँ पर इस मैच में फखर जमान को कैप्टन बना दिया है, एंड क्वेजर को मैंने यहाँ पर वाइस कैप्टन बना दिया है, एंड मुंशे को यहाँ पर खिलाया है, मैकलॉट को यहाँ पर खिलाया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर सरफराज अहमद को, सदाब खान को, हुसैन तलत को, एंड माइकल लिस को, इवान शारिफ एंड हसन अली। तो फ्रेंड इस टाइप से मैंने अपनी एक सेफ टीम क्रिएट कर दी। आप चाहो तो इसमें शोएब मलिक को एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपको शोएब मलिक को एडजस्ट करना है इसमें तो फ्रेंड आपको या तो क्वेजर को हटाना पड़ेगा या आपको मैकलॉट को हटाना पड़ेगा और किसी और प्लेयर को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आप अपनी टीम में फ्रेंड यहाँ पे शोएब मलिक को रख सकते हैं। तो फ्रेंड ये रहेगी मेरी सेफ टीम। तो ग्रैंड लीग की टीम भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ फ्रेंड, जो मैंने यहाँ पर ग्रैंड लीग की टीम अपने लिए क्रिएट की है। आप थोड़ा इसमें कैप्टन वाइज कैप्टन अपने हिसाब से अलग अलग कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर मैंने फखर जमान के साथ मैंने कॉम्बिनेशन कर दिया सदाब खान का, एंड यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, सेम वही टीम है। यहाँ पर टीम थ्री में आपको दिखाऊंगा फ्रेंड, यहाँ पर है फखर जमान के साथ मैंने यहाँ पर शाहीन अफरीदी को मैंने यहाँ पर मौका दे दिया। इसका खेलने का चांस ओनली 10% है, मैं प्रेफर नहीं करूँगा आप इसको स्मॉल लीग की टीम में लेना, बट मैंने यहाँ पर इसको ग्रैंड लीग की टीम में वाइस कैप्टन किया है। फिर उसके बाद मैंने हसन अली तलत जो भी मैन के खिलाड़ी है उनको मैंने रख दिया यहाँ पर। फ्रेंड टीम फोर में मैंने यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने एक और रिस्क लिया है, यहाँ पर मैंने वाटिंगम को खिला दिया है, एंड बाकी यहाँ पर मैंने अहमद सयाद को मैंने कैप्टन किया है, एंड उसके साथ मैंने हुसैन तलत को वाइस कैप्टन किया। तो फ्रेंड इस टाइप से आप ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हैं, एक ही वाली मैंने ग्रैंड लीग की टीम इसे बता दी आपको। और बाकी टीम फाइव में मैंने आप देखो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे फहीम अशरफ को कैप्टन किया है, एंड शोएब मलिक को मैंने यहाँ पर वाइस कैप्टन किया है। तो फ्रेंड एक इस टाइप से मैंने आपको टीम बता दी, इसमें मैंने क्रिस सॉल को लिया यहाँ पर, एक रिस्की ये भी ऑप्शन है, तो क्रिस सॉल को भी आज मौका मिल सकता है, तो मैंने यहाँ पर क्रिस सॉल को पिक कर लिया है। तो फ्रेंड एक और टीम मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो इसमें मैंने उस्मान खान को लिया है, तो उस्मान खान भी आज खेल सकते हैं मोहम्मद आमिर की जगह, तो मैंने उस्मान खान पर भी रिस्क ले लिया। यहाँ पर मैंने मुंशी को कैप्टन किया है, एंड सैफियान शरीफ को मैंने वाइस कैप्टन किया। तो फ्रेंड इस टाइप से आप अपनी ग्रैंड लीग की कोई भी टीम क्रिएट कर सकते हो फ्रेंड, कभी भी कोई भी टीम आपके लग सकती है ग्रैंड लीग
इज लाइक एक लॉटरी टाइप का फ्रेंड, जो कि कभी भी आपका लग सकता है ग्रैंड लीग में, कोई भी टीम आप डाल सकते हो फ्रेंड, कैसी भी टीम आप डाल सकते हो, जिस दिन आपका लक होगा फ्रेंड उस दिन आप 100% जीत जाओगे। तो फ्रेंड ये तो हो गई इस मैच की बात। तो फ्रेंड मैं आपको फैन फाइट का टीम जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा एंड आपको फेसबुक पेज पे दे दूंगा एंड व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा फ्रेंड। तो आपको जैसे भी लगे आप वहां पर आके ले लीजिए। ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को फ्रेंड लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।